Hello everyone. Today's topic is publicity, which is for the fifth semester student. The subject is principles of fashion marketing and the department fashion technology. So in marketing, where stands publicity? We have to discuss the publicity in this presentation. So let's start with the presentation. So first slide, what is publicity? It is a non-paid communication to promote your company in a positive light using media vehicles like television, radio, magazines and newspapers. So publicity kya hai? Publicity ek organization ko, ek industry ko promote karne ka ek tarika hai. Non-paid communication process hai. जिसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट यू कैन से व्हीकल्स और मेथड्स यूज करते हैं इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, कंपनी को प्रमोट करने के लिए, लाइक टेलीविजन, रेडियोज, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स. ये सारे पब्लिसिटी के मेथड्स हैं. हम डेली पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, जिसमें हम हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स की, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज की इंफॉर्मेशन देती है, उसको प्रमोट करने की, मार्केट में स्टैंड करने की एक करने के लिए एफर्ट्स करती है. दैट इज अ पब्लिसिटी. इट इज डन बाय द थर्ड पार्टी. सो किसी भी कंपनी की, किसी भी प्रोडक्ट को या कंपनी की इमेज को हाईलाइट करने का जो काम होता है वो थर्ड पार्टी के थ्रू कंप्लीट होता है. थर्ड पार्टी, जैसे कि अभी हमने बात की कि इट कैन बी अ सोशल मीडिया, इट कैन बी अ टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स, टेम्पलेट्स, होर्डिंग्स, बोर्डिंग्स, इट कैन बी एनीथिंग. The major tool used in the publicity is press release, जो through press release होता है in the form of magazines or newspapers. That is a best tool or best method for publicity and maximum used by the companies. It provides information about a product or product related activities. The uses of publicity. अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन. ऑब्वियसली पब्लिक की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, मेंटेन पब्लिक विजिबिलिटी. पब्लिक मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उस प्रोडक्ट को विजिबली देख सकें, उसकी क्वालिटीज बेनिफिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देने के लिए रिगार्डिंग प्रोडक्ट और कंपनी. चेंज एटीट्यूड्स, कस्टमर के बिहेवियर्स को, उनके टेस्ट को चेंज करने के लिए. कॉम्बैट नेगेटिव पब्लिसिटी फ्रॉम अनदर सोर्सेज, और जो गलत सोर्सेज सेम और कंपनी या प्रोडक्ट के लिए गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको खत्म करने के लिए पब्लिसिटी को यूज किया जाता है मेथड को. डिफरेंस बिटवीन पब्लिसिटी एंड पीआर. पब्लिसिटी इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी. ऑन द अदर साइड पीआर इज अ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू मेंटेन अ रिलेशन विद द पब्लिक. Positive and negative information can be provided by a publicity, but PR just provide the positive information to the customer. Publicity less controllable. Otherwise, on the other hand, PR is a controlled tool used by publicity. Advantages of publicity: it is credible, it is cost effective, often generates high frequency of exposure. Disadvantage: it has less control. Very few releases published by an organization actually get taken up by the media. Less accuracy. Publicity techniques: there are three different techniques which we used in publicity. कॉन्टिन्यूअस पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी, पब्लिक के साथ लगातार रिलेशन बनाए रखना. प्री प्लान शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज, पहले प्लान बना के देन टारगेट कस्टमर पे अप्रोच करना. और अनप्रिडिक्टेबल शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज, अचानक से कस्टमर के साथ पब्लिक पब्लिसिटी के लिए पब्लिक रिलेशन बनाने. कॉन्टिन्यूअस पब्लिसिटी एक्टिविटीज में क्या आता है? लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इंडस्ट्री कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, न्यूज़पेपर, न्यूज़ लेटर्स, कंपनी मैगजीन्स, एम्प्लॉय रिलेशंस, मीडिया रिलेशंस, मीडिया किट्स एंड फोटोग्राफी, शेयर होल्डर, ऑनर एंड फाइनेंशियल कम्युनिटी
रिलेशंस। प्री प्लान्ड शॉर्ट टर्म एक्टिविटी में न्यूज़पेपर, न्यूज़ और प्रेस रिलीजेस, न्यूज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब प्री प्लान करनी पड़ती हैं। सेरेमनीज, ओपनिंग्स एंड इवेंट्स, अनाउंसमेंट्स, मार्केटिंग रिसर्च। अनप्रिडिक्टेबल शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज में हैंडलिंग नेगेटिव पब्लिसिटी, जो गलत पब्लिसिटी हुई है प्रोडक्ट या कंपनी को लेके, उसको किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि जब हमारे पास गलत हुई पब्लिसिटी सामने आती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, एकदम से कोई ना कोई गलत इन्फॉर्मेशन सामने आ गई, सो उसको हैंडल करने के लिए क्या टूल यूज किया जाएगा, मीडिया इंटरव्यूज। सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेशन वेरी वेल, सो थैंक यू वेरी मच।